सीधा ले चलते हैं उसी तरफ। 1500 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का बेचान किया है और लगभग 3100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है। सर, इस रेवेन्यू की वजह से ही हम अभी माननीय मंत्री महोदय ने 4 तारीख को ही हमारी एक बैठक ली थी बोर्ड की, उसमें 100 करोड़ रुपए हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आईपीडी टावर के लिए देने का निर्णय लिया है। चूंकि इतना पहले कभी भी रेवेन्यू अर्जित नहीं हुआ हाउसिंग बोर्ड का, तो हम अपने काम ही नहीं कर पाते थे, पर चूंकि आपके नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड काफी अच्छा रेवेन्यू अर्जित कर रहा है, तो उसी रेवेन्यू से हम पूरे राजस्थान का विकास करने जा रहे हैं। महोदय, आपने दिल्ली की तर्ज पर बजट में एक घोषणा की थी पहली बार कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जाएगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का काम भी हाउसिंग बोर्ड के हाथ में लिया है। और जो विधायक आवास हमारे विधानसभा के पश्चिम द्वार की तरफ बन रहे हैं, उसी तरह पूर्वी द्वार पर वो जमीन हमने चिन्हित कर ली है और वहां एक बहुत ही भव्य कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण कराया जाएगा। सर, जो आपने बजट में घोषणा की थी वो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा। मैं इस स्वागत के अवसर पर सर एक और निवेदन करूंगा कि प्रशासन शहरों के संघ जो पूरे राजस्थान में 2 अक्टूबर से चलेगा, माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में हम 6 संभागों में अभी कार्यशाला करके आ चुके हैं और उन 6 संभागों की कार्यशाला में हमने 3 शब्दों पे जोर दिया है कि हमारे विभाग में हर एक जो फाइल आएगी पट्टे के लिए या किसी भी तरह की फाइल आती है सर, FILE, हर सरकार में फाइल का नाम चलता है, हर जगह फाइल चलती है, तो मंत्री जी और हमने ये तय किया कि हर फाइल को हम लाइफ मानते हुए उसका निस्तारण करेंगे, FILE को LIF ही मानते हुए, क्योंकि हर एक फाइल में किसी न किसी व्यक्ति की लाइफ निहित होती है। तो ये हमारा एक माननीय मंत्री महोदय का सब जगह हम जब जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं अधिकारियों से कि लाइफ मानते हुए उस फाइल का निस्तारण करना है और दया भाव से उस फाइल का निस्तारण करें, ताकि लोग दया करेंगे तो लोग आपको इस टाइम को याद करेंगे, दया का मतलब याद करेंगे। और अंतिम कि भला के साथ काम करें, भला का मतलब है अगर हम भला करेंगे तो हमारी संस्थाओं को उसका लाभ होगा। तो फाइल का लाइफ, दया का याद और भला का लाभ करते हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद कुंजीलाल जी साहब। आज के इस कार्यक्रम में मुख्यतः राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और माननीय नगरीय विकास मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के कारण यह कार्यक्रम मौके पर आयोजित किया जाना संभव नहीं था, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए बनाई जा रही AIS रेजिडेंसी का भी शिलान्यास और 3 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं और 1 स्टूडियो अपार्टमेंट योजना का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आतिथ्य में माननीय नगरीय विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में किया जाएगा। माननीय विधायकगण के लिए जो आवास अभी तक उपलब्ध थे वो लगभग 40 वर्ष पुराने थे और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे और साथ ही अलग अलग स्थानों में बटे हुए थे। कुछ आवास विधायक नगर पूर्व में थे, कुछ पश्चिम में थे, कुछ विधायकपुरी में थे, कुछ गांधीनगर में थे, कुछ जालूपुरा में थे। तो सारे विधायकगण एक साथ समूह के रूप में या पारिवारिक सौहार्द के हिसाब से नहीं रह पाते थे, साथ ही उनके क्षेत्र से जो लोग आते थे उनको भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मंत्री जी और धारीवाल साहब और CP जोशी साहब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपने एक पहल की और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस तरह का एक प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस योजना की स्वीकृति दी। राजस्थान आवासन मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने मंडल में अपना भरोसा जताया और लीक से हटकर बनने वाली इस परियोजना का दायित्व भी मंडल को सौंपा। मुझे आप सबको यह बताते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि एक मृत प्राय संस्था जिसका अतीत बहुत वैभवशाली था उसको पुनर्जीवित करने और ऐसी बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम बनाने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नगरीय विकास मंत्री जी को जाता है। आवासन मंडल के सामने कई चुनौतियां थी जिस समय खासतौर पर ये सरकार आई, उस समय आवासन मंडल के सामने कई चुनौतियां थी। प्रमुखतः लगभग 18,000 आवास बिना बिके हुए पड़े थे, वो बेचने थे, खराब वित्तीय स्थिति थी, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, गरीबों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने का जो ध्येय था वो पीछे चला गया था, बिखरी हुई संपत्तियों को चिन्हित करने और उसका निस्तारण करने का काम बाकी था, अतिक्रमण हो रहे थे आवासन मंडल की जमीनों पर, उनको रोकने का दायित्व था,
जन सुविधाओं, पार्क और बड़ी परियोजनाओं के निर्माण और खास तौर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसी 7 प्रमुख चुनौतियां आवासन मंडल के सामने थी। यह हमारे यशस्वी विजनरी और दूरगामी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री जी के भरोसे और दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि मंडल ने सभी 7 चुनौतियों को पार पा लिया है। माननीय मंत्री धारीवाल साहब का निरंतर मार्गदर्शन रहता है, क्लोज मॉनिटरिंग रहती है, जो कि हमारे लिए सोने पर सुहागा साबित हुई है। पिछले माह कुछ माह से मंत्री जी अब मंडल के अध्यक्ष भी बन गए हैं, तो मैं लाइटर उसमें कहना चाहूंगा कि पहले होता था कि प्यासा कुएं के पास जाता था, अब कुआं खुद ही प्यासे आवासन मंडल के पास आ गया है। तो माननीय मंत्री जी के अध्यक्ष बनने के बाद से हमारी गतिविधियों में और ज्यादा सुधार आया है और निर्णय और ज्यादा त्वरित गति से होने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी, जयपुर में मेट्रो रेल, एलिवेटेड रोड, घाट की गोणी की सुरंग, वर्ल्ड सिटी के बरामदे खाली कराने आदि कार्यों में जो आपका विजन और दृढ़ निश्चय रहा है और जो शहरी विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता रही है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। इसी क्रम में अब की बार बजट घोषणा में आपने 65,000 वर्ग मीटर में एक लगभग 60,000 विद्यार्थियों के लिए विशाल कोचिंग हब बनाने की घोषणा की और मानसरोवर में 52 एकड़ क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिटी पार्क को भी बनाया जा रहा है। ये भी मैं मानता हूं कि जिस तरह के पहले के काम मैंने गिनाए उसी श्रृंखला में कोचिंग हब और सिटी पार्क, जिनकी पूरे देश में चर्चा है, ये भी आपके इस कार्यकाल के मील के पत्थर साबित होंगे। मुझे आपको यह अवगत कराते हुए भी बहुत हर्ष का अनुभव होता है कि आवासन मंडल ने कोरोना काल और लगभग 4 माह के लॉकडाउन के बावजूद पिछले 20 माह में 9,150 बिना बिके आवास विक्रय कर दिए। काफी बड़ा फिगर है 9,150, और हम कह सकते हैं कि लगभग 50% बिना बिके हुए आवासों का हमने निस्तारण कर दिया और इससे हमको 1525 करोड़ रुपए का राजस्व भी अर्जित हुआ और इसमें से 60% आवास EWS और LIG के लोगों को बेचे गए, जिससे गरीब तबके के लोगों का, कमजोर तबके के लोगों का आवास बनाने का सपना भी साथ के साथ पूरा हुआ। इसी तरह से जो जगह जगह बिखरी हुई संपत्तियां थी उनको प्रीमियम आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के रूप में चिन्हित करके लगभग 950 करोड़ रुपए की 1500 संपत्तियां हमने विक्रित करी। इसी तरह से गरीब बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने आप ही के कर कमलों से एक योजना लॉन्च करवाई थी, अपना दुकान अपना व्यवसाय, और उस योजना के तहत भी हमने इस अल्प समय में कोरोना काल में 900 दुकानों का विक्रय करके 145 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। इसी तरह लीज और किश्तों की वसूली में हालांकि हमने कोरोना काल में काफी छूट दी, काफी रियायतें दी, उसके बावजूद उनका प्रभावी कलेक्शन हो पाया। और मुझे एक बार फिर आपको ये निवेदन करते हुए हर्ष होता है कि हमने इस छोटे से कार्यकाल में 3103 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर लिया है। आप जब हमारे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में पधारे थे उस समय हमारा फरवरी 2020 में 700 करोड़ रुपए का राजस्व था, जिसको अब हमने कोरोना काल होने के बावजूद 3103 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। गरीबों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की दिशा में भी कम काम नहीं हुआ। आपके निर्देश थे, माननीय मंत्री जी के निर्देश थे कि केवल बड़े शहरों में ही मंडल अपनी गतिविधियों को सेंट्रलाइज नहीं करे बल्कि छोटे शहरों तक पहुंचे, तो हमने 18 छोटे शहरों में आवासीय योजनाएं लॉन्च करी। आप ही के कर कमलों से अगस्त 2020 में हमने इसको लॉन्च करवाया था और मुझे आपको बताते हुए फिर खुशी है कि इन योजनाओं में 3366 आवास, 3500 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पे है। कई जगह निर्माण छत तक आ चुका है, कई जगह निर्माण छत के लेवल पे आ चुका है और ये भी हम समझते हैं अगले 6 महीने में इन आवासों का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास परियोजना के तहत राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था, तो आवासन मंडल ने उसको भी एक चैलेंज की तरह से लिया और आप ही के कर कमलों से 4 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाएं हमने पहले स्वीकृत कराई, जिसमें 2500 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अच्छी उसमें प्रगति आ गई है। आज भी हम 3 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं का और एक स्टूडियो अपार्टमेंट की योजना का शुभारंभ भी आपके कर कमलों से यहाँ पे कराएंगे। इसी तरह से जो मैं अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने मिलकर के निर्णय लिया कि आवासन मंडल का जो एक्ट है वो 50 साल पुराना है, उसमें कभी संशोधन नहीं हुआ। मंडल को अपनी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का अधिकार नहीं था, मंडल को अपनी रेवेन्यू वसूल करने के लिए कुड़की का अधिकार नहीं था। हालांकि अभी तक हमने इस अधिकार को सख्ती से लागू नहीं किया है, लेकिन केवल अधिकार मात्र मिलने से ही, क्योंकि आपने एक्ट में संशोधन करके हमें ये अधिकार दिए, बिना इन अधिकारों को सख्ती से लागू किए ही हमने 500 करोड़ से अधिक मूल्य की 15 स्थानों से अतिक्रमण हटाकर अपनी जमीन मुक्त करा ली है।
सिटी पार्क, कोचिंग हब, मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना, 5 चौपाटी, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आपसे ही शुभारंभ कराए गए थे और मैं आश्वस्त करता हूं कि ये सभी प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय पर ही पूरे होंगे और माननीय हम आपके कर कमलों से ही इसका उद्घाटन भी नियत समय पर करवाएंगे। गुणवत्ता की ओर आपने हमें निर्देश दिए थे क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की एक छवि बन गई थी कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो पाता है, तो गुणवत्ता के लिए हमने एक स्पेशल गुणवत्ता सेल बना दिया है सर, उसको काफी एम्पावर किया है। इसी तरह से एक सजग आरएचबी सजग नाम से एक ऐप बनाई है और उस ऐप को हमारे सभी इंजीनियर्स के फोन में लोड कर दिया है, किस इंजीनियर को कितने दिन में किस जगह का साइट इंस्पेक्शन करना है ये सब उस ऐप के माध्यम से हम कंट्रोल मॉनिटर करते हैं। और सर, जो पहले सैंपलिंग नहीं हो पाती थी, मुझे बताते हुए फिर खुशी है कि हमने इस अल्प अवधि में 11,000 से ज्यादा सैंपल लिए हैं सर, 11,000 से ज्यादा सैंपल लिए हैं, प्रयोगशाला में भेज करके उनका कराया है और पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ सैंपल फेल भी हुए हैं, हमने जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स हैं उन पे पेनल्टी भी लगाई है। अभी पीछे प्रताप नगर का एक उदाहरण है, वहां एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना में काम अच्छा नहीं था, 117 पिलर हमने तुड़वा करके उसको दोबारा बनवाया। तो गुणवत्ता पे आपके निर्देश के हिसाब से हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और सभी को सेंसिटाइज कर रखा, और 11,000 सैंपल लेना अपने आप में एक बड़ी बात है सर। अब मैं और ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और आज का जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी ओर आपको लेके चलता हूं। अब हम विधायक आवास परियोजना और AIS रेजिडेंसी और तीनों जनावास मुख्यमंत्री जनावास योजनाएं और अपार्टमेंट की योजना का शुभारंभ कराएंगे। मैं आग्रह करूंगा एक बार मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि विधायक आवास परियोजना में क्या क्या खास होने वाला है। स्लाइड नेक्स्ट, ये सर इसका पूरा लेआउट है इस जमीन का। ये 24,160 मीटर जमीन है जो कि विधानसभा के वर्तमान भवन के पश्चिम दिशा में है। यहाँ पहले 54 विधायक आवास बने हुए थे जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने और विधानसभा सचिव जी ने काफी एक्टिवली इसका प्रयास करके, और मैं यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि माननीय गुलाबचंद कटारिया साहब ने भी हमको बहुत सहयोग किया और माननीय विधायकगण से हम वो आवास समय पे खाली करा पाए और 54 के 54 आवास खाली करके इसी फरवरी में हमको उसका कब्जा मिला। इसी फरवरी में, आज हम अगस्त में बात कर रहे हैं सर, 4-5 महीने पहले हमको इसका कब्जा मिला। ये 24,160 वर्ग मीटर जमीन है जिसमें आप देख रहे हैं सामने की तरफ 4 ब्लॉक हैं पीले रंग से जो दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें 32 फ्लैट बनेंगे, प्रत्येक में 28 मीटर कुल हाइट रहेगी और इसमें 8 मंजिल बनेंगे, 2 मंजिल का नीचे बेसमेंट में पार्किंग का व्यवस्था रहेगी। जो पीछे गुलाबी रंग के 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, इनमें 16-16 फ्लैट बनेंगे। इस प्रकार कुल 160 फ्लैट इस पूरे में बनाए जाएंगे। इस योजना में कुल जो लागत आएगी वो 266 करोड़ रुपए आएगी। इसकी जो निर्माण कंप्लीट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के